चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं आपकी समसामयिक घटनाचक्र वार्षिकांक के बारे में। तो लास्ट में आपने देखा था संघ और संगठन देख चुके थे, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग कवर कर चुके हैं। छोटी छोटी क्लास है इसलिए रख रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक, क्योंकि आपको भी सहूलियत होगी। और लास्ट में मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों की पूरी क्लास उपलब्ध करवा दूंगा, सभी को एक मर्ज करवा दूंगा, एक ही क्लास में वो उपलब्ध डाल देंगे, ठीक है? तो परेशान मत होइएगा आप लोग। चलिए अब लोग विधि और न्याय देख लेते हैं। 2019-20 में जो भी घटनाएं इससे जुड़ी हुई हैं उन्हें देख लेते हैं, ठीक है? भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया चौथा संशोधन विनियमन 2020। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा अधिसूचित 7 अगस्त 2020 की बात है, IBBI ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया विनियमन 2016 में संशोधन किया है। फिर आप देखेंगे गांधी किंग स्कॉलरी एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट, अमेरिकी कांग्रेस के विदेशी मामलों की समिति द्वारा गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट पारित किया गया, कब? 29 जुलाई 2020 को। उद्देश्य क्या है आखिर इसका? महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के सिद्धांतों को बढ़ावा देना। आप देखिए, हमारे देश में गांधी जी पर कोई भी कमेंट करता रहता है, और दूसरे देशों में आप देखिए कि पूजे जाते हैं। खैर छोड़िए, क्या कर सकते हैं। झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 आया है, झारखंड सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है, कब? 22 जुलाई 2020 को। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है या फिर मास्क नहीं पहुंचता है तो ऐसे व्यक्ति पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 वर्ष तक की कैद की सजा का प्रावधान है। आप समझिए कि कितना खतरनाक एक तरह से नियम है, समझ रहे हैं? मतलब 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, 2 वर्ष की सजा हो सकती है अगर आप मास्क नहीं पहने हुए हैं। चलिए खैर छोड़िए, अब बताइए कि मतलब हमारी ही जान की रक्षा करने के लिए सरकार को कदम उठाने पड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। नौवाहन सहायता विधेयक 2020। पोत परिवहन मंत्रालय ने हितधारकों और आम जनता से सार्वजनिक परामर्श हेतु नौवाहन सहायता विधेयक 2020 का मसौदा जारी किया है, कब? 10 जुलाई 2020 की बात है। इस विधेयक का उद्देश्य 9 दशक पुराने लाइट हाउस अधिनियम 1927 में परिवर्तन करना है। बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि आप देखिए 1927 अंग्रेजों का समय था, तो उन्होंने अपने हिसाब से इस नियम को बनाया था, लेकिन अब हम बदल चुके हैं तो हमें अपने हिसाब से बनाना होगा। पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है 9 जून 2020 को। इस संशोधन के तहत गौवंशीय पशुओं की शारीरिक क्षति के लिए कठोर कारावास, जो कि न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक हो सकता है, और 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक दंड का प्रावधान किया गया है। तो उत्तर प्रदेश एक अलग राय है अपनी। अभी आपके केंद्रीय मुख्यमंत्री कौन बैठे हैं? ये योगी आदित्यनाथ, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 18वीं खंडपीठ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया है, कब? 8 जून 2020 को। अभी याद रखिए, केंद्र शासित प्रदेश जो आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनाया गया, इसके बारे में जो भी पॉइंट आपके पास हों उन्हें याद रख लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है, ये 18 मई 2020 की बात है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अध्यादेश 2020 में सेक्शन 3A जोड़ा गया, जिसके तहत राज्य केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने की परिभाषा तय की गई है। नए डोमिसाइल नियमों के अनुसार कोई व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में कम से कम 15 वर्ष तक रहा हो और 10वीं या फिर 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो तो वह जम्मू कश्मीर का निवासी होने हेतु पात्र होगा, ठीक है? फिर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 लाया गया। देखिए, अध्यादेश उस समय लाते हैं जब आप देखते हैं कि विधानसभा आपकी चलना रही हो, ठीक है? तो राज्यपाल ले आते हैं, आप देखते हैं केंद्र में आके राष्ट्रपति लाते हैं। उत्तर प्रदेश आप लोगों को पीछे बता चुका हूं किस आर्टिकल के तहत लाते हैं, तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत लाता है और राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत लाते हैं, दोनों को आप लोग नीचे लिखिए कमेंट में, ठीक है? बाद में आपने देखा है कि बता भी चुका हूं, सर्च करिए, इतना तो आपको नॉर्मल जानकारी याद होनी चाहिए, ये क्वेश्चंस बनते रहते हैं हमेशा। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारूप अनुमोदित 6 मई 2020 को आया। इस अध्यादेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर संक्रमित करता है या और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है।
किसी महामारी से पीड़ित व्यक्ति द्वारा स्वयं को छिपाए जाने की स्थिति में 1 से 3 वर्ष के कारावास और 50,000 से 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर उत्पीड़ित करता है और उसे दोष तो उसे 2 से 5 वर्ष तक की कैद और 50,000 रुपए से 2 लाख कितना 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि इस उत्पीड़न के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो कम से कम 7 वर्ष की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकता है। साथ ही इस प्रकार के मामलों में 3 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। फिर आप देखिए उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन अध्यादेश 2020 आया है। इस अध्यादेश का प्रारूप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित है। 6 मई 2020 की बात है। इस अध्यादेश के तहत 46 फल और सब्जियों को मंडी अधिनियम की अधिसूचना से पृथक कर दिया गया। कितने 46। उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट अध्यादेश आया है। देखिए अध्यादेश लाता है राज्यपाल भली, लेकिन ये एक तरह से राज्य सरकार की ही सहमति रहती है, वो जैसा कहती है वैसे ही आ जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस अध्यादेश का प्रारूप अनुमोदित 6 मई 2020 की बात है। इस अध्यादेश में समस्त कारखानों और विनिर्माण प्रतिष्ठानों को उत्तर प्रदेश में लागू श्रम अधिनियमों से 3 वर्ष की अवधि तक छूट प्रदान किए जाने की का प्रावधान भी किया गया था, तो काफी बवाल भी हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। तो राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 की केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 में संशोधन हेतु राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 में आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दी है। 29 जनवरी 2020 की बात है। ठीक है, पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2020 आया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2020 के प्रख्यापन और विधानमंडल में पुनः स्थापित करके निदान कराए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई 21 जनवरी 2020 की बात है। आप देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है, जीएसटी प्रणाली के क्रियान्वयन में आ रही कतिपय कठिनाइयों को दूर करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो इसे बड़े अच्छे से याद रखिए। उत्तर प्रदेश का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के लिए आपके लिए जरूरी भी है, आप क्या करेंगे आपकी यूपीपीसीएस में पूछने की पूरी संभावना भी है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया संशोधन विनियमन 2020 भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI द्वारा अधिसूचित है। 15 जनवरी 2020 की बात है। इसके अनुसार बोर्ड भारत के लोक खाते में एक खाता रखेगा, उसका पिचालन करेगा, जिसे कॉरपोरेट स्वैच्छिक समापन खाता कहा जाएगा। इसमें भारत के सार्वजनिक खाते शब्दों के स्थान पर कॉरपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते शब्द रखे जाने का के निर्देश दिए जाते हैं। फिर आप देखेंगे फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया। केंद्र सरकार द्वारा दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के मुकदमों की शीघ्र निपटान हेतु देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की योजना प्रारंभ की गई है। जनवरी 2020 की बात है। फिर आप देखेंगे 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 तो संसद द्वारा पारित किया गया है। 12 दिसंबर 2019 की बात है। इस विधेयक के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की प्रावधान की बात कर प्रावधान को 10 वर्षों के लिए विस्तारित किया कर दिया गया है। 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आप देखते हैं कई बार हो चुके हैं संशोधन, तो इतना याद रखिए 126वां संशोधन पूछ सकता है। किससे संबंधित है, तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों के आरक्षण से संबंधित। आयुध संशोधन अधिनियम 2019 की बात करें तो राष्ट्रपति को द्वारा मंजूरी दी गई है। 13 दिसंबर 2019 की बात है। इसके तहत तो लाइसेंस की वैध अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। नए विधेयक के तहत एक व्यक्ति अधिकतम 2 हथियार रख सकता है। ठीक है, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विधेयक 2019 दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। 2 दिसंबर 2019 की बात है। यह खेल विश्वविद्यालय विभिन्न खेलों में स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करेगा। 2 अक्टूबर 2019 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु किए जाने की घोषणा भी की है। पर आप देखेंगे गुजरात आतंकवाद नियंत्रण और संगठित अपराध अधिनियम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मंजूरी दी गई है। 5 नवंबर 2019 की बात है। इस नए अधिनियम के तहत एक मुख्य प्रावधान यह है कि अब टेलीफोन पर की गई बातचीत के रिकॉर्ड को एक वैध साक्ष्य माना जाएगा। अब इसे भी एक तरह से साक्ष्य मान के आगे की कार्रवाई की जा सकती है। फिर आप देखेंगे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक 2019 तो जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सतपाल मलिक द्वारा इस विधेयक को मंजूरी दी गई है। 1 अक्टूबर 2019 की बात है।
देखिए, जब जम्मू कश्मीर आप समझ रहे हो उस समय की बात है। इस विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो एक क्या हो गया, छोटी सी क्लास है, बिल्कुल आप देखते हैं 10 मिनट की, 10-11 मिनट की। तो विधि और न्याय से संबंधित जो भी घटनाएं घटी हैं आपकी 18, 19, 20 में, तो 19-20 में तो हम लोगों ने बात कर ली है, ठीक है। इस बार आप देख रहे हैं कि कुछ अध्यादेश ही इस तरह के लाए गए, क्योंकि आप देख रहे हैं संसद, सभी सदन बंद थे, विधानसभाएं बंद थी, तो आप लोग इन्हें रट लीजिए और 2019 में कुछ घटनाएं याद रख लीजिए। चलिए आगे हम मिलते हैं, वर्ष दिवस और सप्ताह किस रूप में मनाए जाते हैं, क्या थीम रही है, इन सबको देख लेंगे, ठीक है। इससे पहले आपको बता दूं कि दिवस आपके जितने भी साल में मनाए जाते हैं, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, सभी दिनों को हम लोग कवर कर चुके हैं, स्थायी आंकड़े वहां बता दिए गए हैं, और यहाँ आपके थीम बता दूंगा और जो भी रिपोर्ट होता है वो जाने दीजिए। लेकिन महत्वपूर्ण दिवस के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची है, उसे जाकर देख सकते हैं, स्थायी सभी को 12 ही महीना के आपके कवर करवा दिए।